देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। जी हाँ, उन्हीं की पहल पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक बिल को आज राज्यसभा में भी पारित करवा दिया। इससे पहले लोकसभा में यह बिल पारित हो चुका है। कुल मिलाकर 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाएं सिर्फ तलाक 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 कहने से मुक्त नहीं हो सकती, यानी 3 तलाक पूरी तरह से अवैध हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस बिल की शुरुआत हुई थी तभी से मुस्लिम महिलाओं का बहुमत भी मोदी को मिला था और इस लोकसभा चुनाव में भी मोदी को मुस्लिम महिलाओं के वोट प्राप्त हुए। कुल मिलाकर आज जब राज्यसभा ने भी इस बिल को पारित कर दिया उसके बाद अब यह कानून बन गया है, यानी मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ 3 तलाक के नाम पर तलाक नहीं दिया जा सकेगा। इस बिल के पारित होने के बाद मुस्लिम महिलाएं कम से कम इस बात से आजाद हो गई हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।